और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम का जो डेट है आपका आ चुका है और आपका वो 15 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। लेकिन आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एग्जाम के लिए और 2 ही महीना है और 2 महीना में ही आपको क्या करना है, मैथ, बैंक, आपका रीजनिंग, जीके, ये सारा का पूरा 4 ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे और आपको पूरा अच्छा से तैयारी करना है। तो देखिए, उसमें क्या है कि ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जो एग्जाम होगा उसमें सीबीटी वन और सीबीटी टू और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको सीबीटी वन क्वालिफाई करना है। सीबीटी वन में आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मतलब टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे सीबीटी वन में, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी आपका मैथ्स आएगा, ठीक है, मैथ्स आपका कितना क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका 25 क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएंगे, 25 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस आपका कितना क्वेश्चन आएंगे, साइंस आपका 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में आपका कितना, 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आएगा आपका, 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका बचा हुआ है करंट अफेयर्स, यानी आपका जीके कितना क्वेश्चन आएंगे, ये आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगी आपका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगी आपका, 100, ठीक है। यानी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा सीबीटी वन, तभी आप सीबीटी वन को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कम से कम आपको हम बोल दे रहे हैं कि अलग अलग डिवीजन में, जैसे आपका रांची हो गया, कोलकाता डिवीजन हो गया, ठीक है, अहमदाबाद डिवीजन हो गया, तो अलग अलग डिवीजन में जो है उसमें आपको अलग अलग कट ऑफ मार्क्स आता है। लेकिन आप मान के चलिए कम से कम आपको 100 में 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। यानी आप यदि 80 मार्क्स लाते हैं, यानी अलग अलग डिवीजन का अलग अलग कट ऑफ आता है, किसी का 63 में भी आप सीबीटी वन क्वालिफाई कर जाएंगे, किसी का आपका 70 में क्वालिफाई कर जाएंगे, किसी में 80, किसी में 90 तक आपका 79-80 तक कट ऑफ चला जाता है। तो यानी आप मान के चलिए यदि आप 80 नंबर लाते हैं, यानी आपका 100 क्वेश्चन में से आपका यदि 80 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका क्या होगा, 80 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी आप 100% आपका क्वालिफाई होगा सीबीटी वन में। तो इस सीबीटी वन को क्वालिफाई करने के लिए आपको अभी पढ़ने का, किस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ताकि आप सीबीटी वन को इजीली क्वालिफाई कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैथ जो है आपको क्या करना है, मैथ का पूरा सिलेबस देखना है, यानी सीबीटी वन के लिए कौन कौन सा सिलेबस है मैथ में आएगा क्वेश्चन, तो उसको आपको अच्छा से सिलेबस को पहले स्टडी करना है और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छा से एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ पढ़ना है। पहले आप बेसिक आपका पढ़ लीजिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप अच्छी तरह से आप उसको पढ़ लीजिए, उसका बेसिक पढ़ लीजिए, फिर देखिए शॉर्टकट ट्रिक से हम मैथ उसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ का सिलेबस को पहले अच्छा से देख लीजिए और माइंड में पूरा सेटअप कर लीजिए कि ये टॉपिक आएंगे और ये टॉपिक हमको बहुत अच्छा से तैयारी करके जाना है। यानी यदि आप 25 में कम से कम आपको 15 से 16 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मैथ में। देखिए, आपको मैथ में क्या करना है, जैसे आपका मैथ हो गया तो मैथ में 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 25 में यदि आप कम से कम 15 से 20 तक आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 25 आप यदि 15 से 20 क्वेश्चन मैथ में बना लेते हैं, आपका साइंस में भी यदि आप
इसमें कितना क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन है, इसमें भी यदि आप 15 से 20 क्वेश्चन बना लेंगे ठीक है। उसके बाद देखिए रीजनिंग में ठीक है, रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन है, कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 20 से 25 क्वेश्चन यदि आप बनाएंगे तो क्या होगा आपका सिलेक्शन होने का चांसेस 100% रहेगा। उसके बाद देखिए जीके, जीके यानी जनरल स्टडी जो होगा उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आप कम से कम यदि 10 से 15 क्वेश्चन बना देंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस पूरा रहेगा। तो देखिए ये सारा जो है, तो जैसे मैथ का आप देखिए, साइंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा साइंस का टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक जो एनटीपीसी का सिलेबस में है वो आपको देख लीजिए, और फिर हम क्या करेंगे प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी का, देखेंगे कि साइंस से कौन कौन सा चैप्टर्स है, प्रीवियस ईयर में कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे ठीक है। उसके बाद देखिए रीजनिंग, रीजनिंग भी उसी तरह से आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है उसको पढ़ना है, और साथ ही जीके में आपको क्या करना है कि करंट अफेयर यानी आप कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छा से पढ़ लीजिए, 6 मंथ में देखिए कौन कौन सा करंट इवेंट हुआ है ठीक है, रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपका खेल से जुड़ा हुआ, उसके बाद जो साइंटिफिक जो है उसमें जुड़ा हुआ है ठीक है, नया नया रिसर्च जो आया है, और जो नियुक्ति हुआ है राज्यपाल का मुख्यमंत्री का की, और वो सारा चीज आपको क्या करना है पूरा पढ़ना पड़ेगा ठीक है, तभी आप क्या करेंगे मतलब कम से कम आपका 70 से 80 के बीच में आपका नंबर आएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन देखिए अगले वीडियो में देखिए हम आपको रोज क्या करेंगे, मैथ साइंस रीजनिंग और जीके का चारों टॉपिक का जो है आपको वीडियो में हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको बताएंगे, करंट अफेयर्स जो रोज हम क्या करेंगे 20 से 25 करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके हम देंगे, मतलब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम में आने वाला है उस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग से जो क्वेश्चन आता है अक्सर जो एनटीपीसी एग्जाम में आता है उस तरह का ही हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तीसरा है साइंस से, साइंस से जो जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आता है एनटीपीसी से उसको भी कराएंगे, और मैथ से। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग देखेंगे कि किस तरह से चारों टॉपिक से आपको वीडियो मिलेगा, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।